नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RES Education में आपका स्वागत है। दोस्तों, करीब 10 से 15 दिन हो गए JVN हेल्पर 2 पर मेरा कोई वीडियो नहीं आया है। इस दरमियान आपका एक ही क्वेश्चन आ रहा है और कमेंट के माध्यम से कि सर, ये JVN हेल्पर 2 का रिजल्ट आखिर कब तक आएगा और इतने रिजल्ट में देरी का क्या कारण है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिजल्ट को लेकर डिस्कॉम विभाग ही काफ़ी उत्सुकता दिखा रहा है और उसने फाइल भी भेजी थी राज्य निर्वाचन आयोग को और राज्य निर्वाचन आयोग ने उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को फॉरवर्ड कर लिए। अब उसका कोई रिस्पॉन्स अभी तक आया नहीं है और उम्मीद ये की जा सकती है कि अगर इसका रिस्पॉन्स आ जाता है तो लोकसभा चुनाव के दरमियान रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आसार ऐसे ही लग रहे हैं कि यह फाइल है वहीं दबी रह जाएगी क्योंकि इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है और इस कारण लोकसभा चुनाव के पश्चात आपका रिजल्ट जारी होगा। यानी आसार संहिता के दरमियान रिजल्ट जारी होने की कोई संकेत है भी नहीं क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो भी इसमें मतलब जो मंजूरी नहीं दे रहा है, मंजूरी नहीं देने के कारण से रिजल्ट जारी नहीं हो सकता। आशा संहिता के दरमियान ये तो बिल्कुल सांस नहीं बन रहे और आशा संहिता के जस्ट पश्चात ये रिजल्ट आपके जारी कर दिया जाएगा। अब आप फालतू के भ्रमित होने से बचें और अपने जो आगामी एग्ज़ाम है उसकी अच्छी प्रिपरेशन करें, तैयारी करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और कोई अगर अपडेट होगा तो आपको बता दूंगा। आपको आशा संहिता तक इंतज़ार करना पड़ेगा, आशा संहिता हटने के तुरंत पश्चात आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। मुझे उम्मीद तो यही है। धन्यवाद।